सो हेलो गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक थंबनेल लाइक मेगा बॉय पबजी मोबाइल। तो मेगा बॉय पबजी मोबाइल का थंबनेल बहुत यूनिक सा होता है, जो वो नया बना रहा है जो भी थंबनेल। तो बहुत सारे लोग उसके जैसे थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब चाहते हैं उसकी तरह थंबनेल बनाने की। तो मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया उसके जैसे थंबनेल कैसे बनाएं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और तो मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, तो आप लोग कर देना। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, एक भी सेकंड को छोड़ना मत, क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक सेकंड मेन होता है। एक भी कुछ चीज़ आप गलती करते हो तो पूरा थंबनेल ही बेकार हो जाएगा। तो ये गलती मत करना, पूरा वीडियो देखना एकदम, जो भी दिखाया गया है सब कुछ करना, तभी आपका थंबनेल एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यही था जो बोलना था मुझे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सेल लैब ओपन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को तीन वर्ड रखना पड़ेगा अपना जो थंबनेल का टेक्स्ट है उसके लिए। तो पहला जो वर्ड है मैं रखूँगा टाइम टू, उसके बाद रखूँगा जो मिडिल वाला होगा उसमें रखूँगा साइन, और नीचे रखूँगा मेरा चैनल का नाम। तो आप भी कोशिश करना तीन वर्ड होना चाहिए। तो फॉन्ट जो है, ये जो मैं दे रहा हूँ इस फॉन्ट को, मैं पैक में कुछ कारण से नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सारे थंबनेल में भी ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ जो इफ़ेक्ट है पार्टिकल्स है वही दे पा रहा हूँ। तो जो भी टेक्स्ट है मतलब जो फॉन्ट है वो आप लोग सर्च कर लेना, मैं नेम दे दूँगा कॉमेंट में, तो सर्च करके कहीं से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं पैक में नहीं दे पा रहा हूँ, वेरी सॉरी। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको सेट करने के बाद हम लोगों को जो मतलब हो जाएगा जब सेट, मैं यहाँ पर थोड़ा सेट करूँगा, उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना, सॉरी। अब पीएस टच ऐप ओपन करके इस रेडियो का एक इमेज फाइल बना लेना, उसके बाद आपका जो थंबनेल है मतलब बैकग्राउंड में जो रहेगा वो हैंड में गन रहना चाहिए, ऐसा कुछ थंबनेल, मतलब स्क्रीनशॉट लेना, ट्रेनिंग ग्राउंड से लेना। यस, ठीक करने के बाद यहाँ पर एक ग्रेडियंट देना पड़ेगा काला सा, ये आप लोगों को ग्रेडियंट में मिल जाएगा ऐसे ही, तो उसको ऑपेसिटी थोड़ा कम कर देना। और अब आप लोग को और एक ग्रेडियंट देना पड़ेगा, वो रहेगा लेफ्ट साइड में। तो मैं थोड़ा सा सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे दे देना। अब इसका ओपेसिटी थोड़ा कमा बड़ा कर लेना, मैं जैसा कर रहा हूँ, तो साइड में थोड़ा ब्लैक ही रहे ऐसा ही रखना, तो टेक्स्ट अच्छे से दिखेगा। तो अब हो चुका है मेरा जो भी करना था सेटिंग। तो अब हमको जो टेक्स्ट है वो लेना पड़ेगा पिक्सेल लैब में जो सेव किया था, अब उसको मतलब एक एक वर्ड को हम लोगों को अलग करना होगा लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी कर देना। या फिर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके असली जो टेक्स्ट है वहाँ से क्लियर कर देना, जो भी कर रहा हूँ वैसे ही देख देख के सेम टू सेम करना। तो एकदम से आप लोगों को मतलब जो भी कर रहा हूँ एकदम सेम करना, तो ही आपका थंबनेल ठीक से होगा। तो यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूँगा, तो तीन जो टेक्स्ट है वो अलग अलग हो चुका है, तो अलग अलग कलर व अलग अलग सेट कर सकेंगे। तो मिडिल वाला जो टेक्स्ट है वो उसको थोड़ा बड़ा कर लेना जैसा मैं करा हूँ। अब एक एम्प्टी लेयर लेने के बाद साइन वाला जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद, फिर वो एम्प्टी लेयर पे जाने के बाद फिल एंड स्ट्रोक में एक का मतलब 1px का स्ट्रोक मतलब विथ का स्ट्रोक रखना। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देना और थोड़ा सा ऊपर मतलब बड़ा कर देना, और थोड़ा सा ऊपर में रखना साइन वाले टेक्स्ट के ऊपर, और इसका ओपेसिटी कमा देना, बहुत ही कमा देना, मतलब डीप रहेगा तो बुरा लगेगा ना, तो कमा देना, मैं दिखाऊंगा। तो ऐसे ही करना, एक एक को सेट करना। यहाँ पर ओपेसिटी देखो 30 के 40 के आसपास रखना, तो ठीक ठाक लगेगा। अब ये साइन वाला जो टेक्स्ट है उसका लो ओपेसिटी वाला जो टेक्स्ट है उसको बार बार डुप्लीकेट करने के बाद सेट करना होगा, मैं जैसे सेट कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना। तो थोड़ा सा गैप रखना और एक ही साइज रखना नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जगह में ही ये टेक्स्ट रखना पड़ेगा। तो देखते रहो मैं कैसे करता हूँ, वैसे ही डुप्लीकेट करके इसके नीचे भी देना पड़ेगा।
तो मैं सब सेट कर लिया, आप लोग भी कर लेना। अब आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है कि जो भी आप लोगों ने साइन वाला जो दिया उसको मर्ज डाउन करते रहना, मतलब एक ही लेयर में ले आना सब साइन जो लो ओपेसिटी का है उसको सबको, मतलब एक ही मतलब इमेज में लेना पड़ेगा मर्ज डाउन करके। या फिर साइन वाला जो मेन वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर ड्रॉप शैडो देना, जितने का मैं रख रहा हूँ 20, उसके बाद 6 रखना। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट के साइज के हिसाब से भी ये मतलब वेरी करता है, तो इतना ही ठीक है, ड्रॉप शैडो दे देना। टाइम टू और नॉलेज ग्राउंड के ऊपर भी ड्रॉप शैडो दे देना जैसा मैं दे रहा हूँ, तो ऊपर और नीचे वाला टेक्स्ट के टेक्स्ट में भी ड्रॉप शैडो दे देना। हमारा थंबनेल बहुत मतलब पूरा हो ही चुका है, अभी बाकी है बहुत सारी चीज़। तो अब टाइम टू और नॉलेज ग्राउंड जो नीचे एंड ऊपर का टेक्स्ट है उसको टिंट में जाने के बाद आप लोगों को येलो कलर देना पड़ेगा। अब अगर आप चाहो तो वाइट भी रख सकते हो और कुछ अलग कलर भी रख सकते हो, तो आपका मतलब जो क्रिएटिविटी है वो दिखेगा। यहाँ पर येलो भी रख सकते हो ऊपर और नीचे में, तो टाइम टू को भी येलो कर देना। मैं साइन वाला जो टेक्स्ट है उसको भी थोड़ा ब्लू आइस कलर देने वाला हूँ, आप लोग नहीं भी दे सकते हो, ये मेरे मर्जी से मैं दे रहा हूँ। तो ये जो हो गया है कलर करेक्शन ठीक हो गया है एकदम। अब आप लोगों को एक चीज़ करना है, वो है अब आप लोग को जाने के बाद ये वाला जो मतलब पैक में आप लोग को मिल जाएगा ये वाला इमेज, इसको लीनियर डॉज कर देना पड़ेगा। अब आप लोगों को सिर्फ मतलब जो पैक में मिलेगा वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये वाला जो ग्लो वाला वाइट वाला है ऊपर में, ये भी दे देना तो ग्लो करेगा, इसको भी लीनियर डॉज कर देना। देखो कितना कूल लग रहा है। तो अब और भी जितना है मैं देता रहूँगा, ये वाला इसको भी लीनियर डॉज करना पड़ेगा। तो देखो कितना कूल इफेक्ट आ रहा है धीरे धीरे। तो ये सब पैक में ही मिल जाएगा, वहाँ से ही आप लोग यहाँ मतलब से डाउनलोड करके ये मतलब यूज़ कर लेना, लीनियर डॉज कर देना सबको। तो इसको भी लीनियर डॉज करने के बाद ओपेसिटी कमा देना, नहीं तो बुरा लगेगा। तो ऐसे ही रखना। अब आप लोग को और एक है जो पैक में मिल जाएगा, ये 5 जो इमेज है इसको आप लोग पैक में पा जाओगे तो वहाँ से ही डाउनलोड करके यहाँ पर यूज़ कर देना। तो ये जो था थंबनेल, हमारा थंबनेल पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। तो यही था हमारा जो ट्यूटोरियल है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेट तो आप लोग भी मतलब आप लोगों का तो वही मतलब एक फर्ज बनता है ना भाई। तो और क्या, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।